ऐतिहासिक दिन पर उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो देवस्थानम बोर्ड को वापस लेने की घोषणा की है, उसके लिए मैं समस्त चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने तीर्थ पुरोहितों की मांग को समझा और जो त्रिविंदर सिंह रावत ने 27 नवंबर 2019 को ये काला कानून चारों धामों पर और सनातन धर्म पर थोपा था और कभी भी उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से वार्ता करने की, उन्होंने कभी मिलने की, किसी प्रकार के संवाद करने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक संवाद कायम किया, उन्होंने कई बार तीर्थ पुरोहितों से वार्ता की और आज उन्होंने ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ाते हुए इस देवस्थानम बोर्ड को वापस ले लिया है। मैं समस्त तीर्थ पुरोहितों की ओर से, हकदारों की ओर से और गंगोत्री की ओर से उनका हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और माँ गंगा जी उनको और यशस्वी बनाएं, वे दीर्घायु हों, स्वस्थ हों और आगे भी वो इस प्रदेश की जो है बागडोर संभालते रहें। और साथ ही मैं यहाँ उनके विशेष कार्याधिकारी हैं किशोर भटजी, उनका भी और उत्तरकाशी के गंगोत्री के जो वरिष्ठ नेता हैं सूरतराम नौटियाल जी, उन्होंने हमारा भी कदम कदम पर साथ दिया, कई बार उन्होंने हमारी विभिन्न नेताओं से मुलाकात कराई, उसके लिए मैं उनका हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और माँ गंगा जी से इनके लिए जो है शुभकामनाएँ और दीर्घायु की कामना करता हूँ।